विजय सांपला के केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार मुकेरियां पहुंचने पर पार्टी सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मुकेरियां स्थित गांव बुढ़ावड़ को केंद्रीय मंत्री की ओर से आदर्श ग्राम योजना के अधीन गोद लिए जाने की घोषणा करने पर गांववासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान आदर्श ग्राम योजना के बारे में बताते हुए विजय सांपला ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ इसी गांव का विकास नहीं किया जाएगा बल्कि सभी गांव के विकास के लिए रेशो के मुताबिक ग्रांट दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधीश होशियारपुर अमित ढाका और पूर्व मंत्री अरुणेश शाकर भी मौजूद थे। आदर्श ग्राम योजना के महज सरकार की योजना नहीं कह जा सकता, ये लोगों के जिम्मेवारी का एहसास दवाना भी ये बहुत वाला जो काम है कि उन्होंने एहसास करवाना कि असी देश के नागरिक और असी आपे साडा कार्य मेरा आपे अपना कार्य आपे सवारीए उस भावना के नाल इस स्कीम का जोड़ा असी कह सकते आगाज किया गया। और ये जो लोग अपने आले दुआले वास्ते सुचेत होंगे ने जागरूक होंगे ने तो उन्हें होर विकसित करने के लिए सरकार उन्होंने अपना योगदान पा के उस हल्के विकास करती है। और विकास उदों ही होंगे जो देश का नागरिक उठ के अपनी जिम्मेवारी फर्ज समझते हुए